तो यहाँ पे फाइनल क्विज अभी तक जारी है क्लास 8 के बच्चों के साथ। उदय क्लासेस में आगे बढ़ाते हुए इस कंपटीशन को बताएंगे खींचने एवं धक्का देने को क्या कहते हैं। वसा बल। किसी वस्तु पर कार्यरत सभी बलों के योग को क्या कहते हैं? परिणामी बल। परिणामी बल शून्य हो तो उसे क्या कहते हैं? संतुलित बल। परिणामी बल शून्य ना हो तो उसे क्या कहते हैं? परिणामी बल शून्य ना हो तो उसे क्या कहते हैं? अंतर बल। क्या बोलते हैं आर्यन? असंतुलित बल। कौन सा बल वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है? असंतुलित बल। असंतुलित बल किसी सतह पर गतिशील वस्तु पर उस सतह द्वारा लगने वाले बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल। किस बल के कारण वस्तु की गति धीमी या रुक जाती है? घर्षण बल। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर किस बल से आकर्षित करती है? गुरुत्वाकर्षण बल। विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को किस बल से आकर्षित करती है? गुरुत्वाकर्षण बल। हाथ और पैर की मांसपेशियों द्वारा लगने वाला बल को क्या कहते हैं? मांसपेशीय बल। भार उठाने में कौन सा बल कार्य करता है? मांसपेशीय बल। चुंबक लोहे की वस्तुओं को किस बल से अपनी ओर आकर्षित करती है? चुंबकीय बल। सूखे बालों में कंघी रगड़ने के बाद कंघी कागज के छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करती है किस बल के कारण? स्थिर विद्युत बल। पेड़ से फल का जमीन पर गिरना कौन सा बल है? गुरुत्वा बल। कुएं से पानी का भरने में कौन सा बल लगता है? मांसपेशीय बल। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में आती है तो जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में आकर बल लगाती है तो उसे कौन सा बल कहते हैं? संपर्कित बल। मांसपेशीय बल तथा घर्षण बल किस प्रकार का बल है? मांसपेशीय बल तथा घर्षण बल किस प्रकार का बल है? संपर्कित बल। चुंबकीय तथा गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार के बल हैं? असंकलित बल। ठीक से बोलिए। चुंबक तथा गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार का बल है? असंकरित बल। साथी बताइए। असंपर्कित बल। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। एसआई का पूरा नाम क्या है? अंतरराष्ट्रीय मात्रक। 1 kgf का मान कितना होता है? 1000 kg। कितना होता है? 9.8 N न्यूटन। एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? दबाव। दबाव का सूत्र क्या है? दबाव बटा बल क्षेत्रफल बटा बल। क्या है जी दबाव का सूत्र क्या है? बल बटा क्षेत्रफल। दबाव का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल। 1 kg 1 kilopascal कितना पास्कल के बराबर होता है? क्षेत्रफल बढ़ने पर दाब क्या होता है? घट जाता है। क्षेत्रफल कम होने पर दाब क्या होता है? बढ़ता है। दाब किस पर निर्भर करता है? दाब किस पर निर्भर करता है? बल एवं क्षेत्रफल पर। बल बढ़ने पर दाब क्या होता है? बल बढ़ने पर दाब क्या होता है? घटता है। बल बढ़ने पर दाब क्या होता है? बढ़ता है। बल घटने पर दाब क्या होता है? घटता है। गहराई बढ़ने पर दाब क्या होता है? बढ़ता है। द्रव में गहराई घटने पर क्या होता है? द्रव में गहराई घटने पर दाब क्या होता है? घटता है। द्रव द्वारा समान गहराई पर सभी दिशाओं में दाब क्या होता है? एक समान। क्या दाब बर्तन की आकृति पर निर्भर करता है? नहीं। बल कैसी राशि है? कैसी राशि है आर्यन? क्या है? सदृश्य राशि। क्या है बल कैसी राशि है? कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है तो आज के क्विज में यहाँ पर ठीक है सबसे कम माइनस पॉइंट ठीक है प्रिंस कुमार के पास है -1 है, बाकी के पास इनसे ज़्यादा माइनस है। ठीक है तो सबसे कम माइनस प्राप्त करने के कारण प्रिंस कुमार आज के क्विज के विनर होते हैं, उनके लिए जोरदार तालियां।
बाकी इसी तरह से मेहनत कीजिए, मिलेंगे फिर नए क्विज कंपटीशन के साथ।